तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे हमको P, Q और R, ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है ये बताना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको दिया है -2, 3, और फिर Q का कोऑर्डिनेट हमको दिया है 1, 2, और R का कोऑर्डिनेट हमको दिया है 4, 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और इसीलिए लिखेंगे कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी कॉमा क्यू। तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, और फिर उसके वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सेकेंड के फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, वन में से माइनस करेंगे -2 को, तो एक साइन और आ जाएगा माइनस, इसके लिए प्लस हो जाएगा, और फिर ये स्क्वायर, फिर प्लस, फिर टू में से माइनस करेंगे 3 को, तो टू में से माइनस करेंगे 3 को, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। तो 1 + 2 हो जाएगा 3, और यहाँ पे लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर प्लस प्लस और माइनस, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर ये प्लस, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 9 + 1 स्टूडेंट हो जाएगा √10। तो हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, Q 10 मिला है स्टूडेंट। अगर हम 10 का फैक्टर भी निकालते हैं तो 2 5s are 10 और 5 1s are 5, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसके लिए हमको यही लिखना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हमने PQ का डिस्टेंस निकाल लिया, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं QR का। तो चलिए डिस्टेंस बिटवीन QR फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखते हैं भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q, R। फिर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे फिर से यहाँ पे, और फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, और फिर क्या करना है हमें, QR का डिस्टेंस निकाल, इसके लिए 4 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 द होल स्क्वायर, 1 - 2 द होल स्क्वायर। अब 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, फिर प्लस 1 में से 2 माइनस करेंगे, स्मॉलर नंबर में से बिग नंबर माइनस करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, और 2 - 1 किया तो 1 आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमको 9 मिला, फिर प्लस -1 का स्क्वायर हमको 1 मिल जाएगा, और इसका वैल्यू भी हमको मिल गया √10। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q, R, ये हमको 10 मिला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, R। उसके लिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, x2 - x1 है तो हम क्या करेंगे, 4 - -2 करेंगे, तो 4 - -2, तो एक माइनस और आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे +2, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 3 करेंगे, तो 1 - 3 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 - 3, स्मॉल नंबर माइनस बिग नंबर तो नेगेटिव रहेगा, और 3 - 1 2 हो जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर,
फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 36 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40। और फिर हम क्या करेंगे 40 का फैक्टर ले लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो इसका पेयर बन चुका तो हम लिख सकते 2, बाकी और किसी का पेयर नहीं बन रहा तो 5 2 ज़ा 10, उसको लिख देंगे रूट के अंदर 10। तो ये हमें मिल गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी कॉमा आर। तो इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 3। और अब देखिए स्टूडेंट्स कि हम देख रहे हैं कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ऐसा बोल सकते हैं कि रूट 10 प्लस रूट 10 इज इक्वल्स टू 2 रूट 10, क्योंकि ये 1 रूट 10 है और ये 1 रूट 10 है, दोनों रूट 10 को अगर ऐड करेंगे तो 2 रूट 10 हो जाएगा। और यही रूट 10 यहाँ पे किसका वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू आर इज इक्वल टू 2 रूट 10 जो है वो इसका मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी आर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो स्मॉल डिस्टेंस को जब हमने प्लस किया तो हमको एक बिगर वाले डिस्टेंस के इक्वल में मिला। और हम बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं इसको ग्राफ में भी प्लॉट करके देखते हैं। जैसे पॉइंट पी अगर देखते हैं पॉइंट पी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 3। तो x पे -2 यहाँ पे है और y पे सॉरी x का -2 यहाँ पे है और y का 3 यहाँ पे है, तो वो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेंगे, उसके बाद ये पॉइंट हो गया P, और उसके बाद Q जो पॉइंट है वो 1, 2 है, तो x का 1 इधर है और y का 2 यहाँ पे है, वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा Q। उसके बाद R 4, 1 है, 4, 1 और वो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी R किधर, हाँ 4, 1 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ये हो गया पॉइंट R, ये हो गया पॉइंट Q, और अब हम देखते हैं कि क्या इस एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पास होता है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स ड्रॉ करने के बाद हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला जो तीनों पॉइंट से पास हो रहा था। सो देयरफॉर अगर ग्राफ में भी देखेंगे तो वो कोलिनियर मिल रहा है। और यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमको समझ में आया कि दो स्मॉल डिस्टेंस को प्लस करके अगर बिगर डिस्टेंस के बराबर आता है तो वो कोलिनियर होता है। तो ये क्वेश्चन में पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें पॉइंट्स पी क्यू आर ये पॉइंट्स कोलिनियर थे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे आगे के क्वेश्चन के लिए।